हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी, तो क्योंकि ये सवाल जो था मेरी एक प्यारी से बहन ने पूछा था कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी, तो आप बता दीजिए तो हम लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने तो आपको इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने बताया कि मैं कभी घंटे देख के नहीं पढ़ती थी, हमेशा मैं टॉपिक देख के पढ़ती थी, टॉपिक डिसाइड करती थी और उसको तैयार करने के लिए चाहे कितने भी घंटे हो जाएं, जब तक वो तैयार नहीं हो जाता था तब तक मैं सोती नहीं थी, मतलब कुछ करती नहीं थी। जब मतलब मुझे 24 घंटे में उतना करना ही करना था। तो लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए जितना मैं टॉपिक सोचती थी, टेस्ट ले लीजिए, वीडियोस देखना ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए पढ़ाई से संबंधित, तो कितने घंटे लगभग हो जाते थे। तो ये भी देख लेते हैं कि लगभग कितने घंटे मेरे रोज़ हो जाते हैं। तो आज मैं यही सब बताने वाली हूँ। और देखिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों पे ही काम करके सफलता पाई जा सकती है। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को एक हवा बना लेना ना कि अरे बाप रे नहीं होगा, क्या है ये है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने छोटी छोटी आदतों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े लोग भी यही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ें आपको नहीं पता है, लेकिन इसके लिए क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग पर इतना प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम है, घर के काम है और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो हमारा दिमाग चाहते हुए भी नहीं ये चीजें सोच पाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। और मैं जस्ट अभी एक साल पहले यही एग्जाम में निकाली हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकला है। तो आपकी स्थिति मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही गुणकारी होगा, हितकारी होगा। आप अगर इसे जैसा मैं बताती हूँ अगर आप इसको करके देखिएगा, बिल्कुल, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, हमेशा अपना दिमाग चलाना है। अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें फ़ायदा चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, किसी की बातों से फ़ायदा हो रहा है, तभी उसको फॉलो करिए। अगर आपको इससे अच्छा आता है तो आप उसको करिए। लेकिन क्या है ना कि मैंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। दबाव क्या था, कोई किसी और का दबाव नहीं था, अपना खुद का। जैसे मैंने सोच लिया था कि मुझे अब की बार निकालना ही निकालना है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, 10 महीने का ही टाइम था। और मैंने उसी में पहले ही बार में मैंने उसको निकाला और कितना अपने दिमागों को दौड़ाया, इस चीज से करके अपने दिमाग को कितना दौड़ाया मैंने, तो मुझे एक जो एक तरीका मिला, एक रास्ता मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि कितने घंटे हो जाते थे मेरे, है ना। और मैं दोनों दिन का बताऊँगी, जैसे मैं आपको पता ही है कि मैं पढ़ाती भी थी स्कूल में, तो वर्किंग डे का और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन का भी कि कितना घंटे मैं पढ़ती थी। एकदम ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ ही उतने घंटे, है ना। मैं वही बताने वाली हूँ कि जिस दिन वर्किंग डे था उसमें कितना घंटा हो जाता था और जब छुट्टी रहती थी उसमें कितना घंटा हो जाता था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे भी हेल्पफुल वीडियो इस तरह की मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, इसका एग्जाम चल रहा है हम लोग का, इसके हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये पूछेंगे कि कितने घंटे शुरुआत मतलब सुबह से ही करते हैं, ठीक है, तो सुबह आपको पता ही है कि मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती थी, ठीक है, 5 बजे मैं उठती थी, ठीक है, मैं सुबह नहीं उठ पाती थी चाह के भी। मैं रात में देर तक कितने भी बजे मैं जग जाऊं, लेकिन मैं सुबह 5 बजे के पहले नहीं उठ पाती थी क्योंकि मुझे नींद आती थी, मेरी ये कमजोरी है, ठीक है। तो मैं 5 बजे उठती थी, वो भी पढ़ने के पर्पज से नहीं उठती थी, मैं स्कूल तैयार होने के पर्पज से उठती थी। तो 5 बजे मैं उठ जाती थी, अपना सब कुछ लंच वगैरह पैक करके सब कुछ रेडी वगैरह होके, मेरा यही एक टारगेट रहता था कि मैं कम से कम आधे घंटे उसमें मुझे रिविजन करना है, आधे घंटे, ठीक है, आधे घंटे मुझे रिवीजन करना है। अब आधे घंटे, आप यहाँ पे आधा घंटा देखिए मेरा हो गया आधा घंटा, ठीक है ना, ये सुबह का। फिर मैं स्कूल चली जाती थी, तो स्कूल में तो कोई मतलब ऐसा नहीं रहता था कि आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे क्या था, मैं चोरी छुपे जैसे मान लीजिए रचनाओं को चिट पे लिख के ले जाती थी। तो मान लीजिए लॉकडाउन था, अगर खाली बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास लिए हैं, अगर खाली बैठे हैं तो मैं वहीं पर देख लेती थी किताबों के बीच में, लेकिन उतना ज़्यादा समझिए नहीं के बराबर था वो, तो स्कूल का छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं 2:30-3 बजे तक मैं इसको घर से मतलब वहाँ से चली आती थी, ठीक है, 2:30 से 3 बजे तक मैं घर चली आती थी। तो आने के बाद तुरंत तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, खाना पीना थोड़ा खा के मैं 1 घंटा समझिए रेस्ट करती थी, 1 घंटा मैं रेस्ट करती थी। उसके बाद जो है इसको आप नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, 1 घंटा मैं रेस्ट करती थी। उसके बाद मैं 4 बजे से, ये तो मेरा नियम था, 4 बजे से मैं बैठ जाती थी, 4 बजे से, ठीक है। तो 4 बजे से जब मैं बढ़ती थी तो उसके बाद लगातार समझिए 6 बजे तक, ठीक है, 4 से 6 बजे तक शाम के मैं बैठ जाती थी, ठीक है। तो अब 4 से 6 कितना हुआ, 2 घंटा हुआ ना, 2 घंटा यहाँ पे हो गया समझिए,
2 घंटे यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो था मैं 6:30 बजे के लगभग, 6 बजे तक मैं पढ़ती थी, जो उठ जाती थी चाय पानी के लिए, तो समझिए 6:30 बजे के अंदर आधे घंटे में चाय पानी सबको दे देना, अपने भी पी लेना, आधे घंटे, ठीक है ना, आधे घंटा मेरा निकल जाता था। फिर मैं 6:30 बजे से बैठ जाती थी, अरे 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश यही थी और ये ऐसा मैं करती भी थी। मैं अब इस सब चीज़ में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी, मुझसे कोई नाराज़ भी होता था तब भी मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं बैठती नहीं थी कभी बातचीत करने के लिए। तो 6:30 बजे से मैं बैठ जाती थी, ठीक है। अब 6:30 बजे से जब मैं बैठती थी फिर, तो उसके बाद से लगातार समझिए 6:30 बजे से, क्योंकि वो शाम को टेस्ट वगैरह भी होते थे, उससे समझिए 9 बजे तक, ठीक है ना, 9 बजे तक पूरा उसी में टेस्ट देना सब कुछ इंक्लूड है, क्योंकि वो भी तो पढ़ाई से संबंधित है, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो 9 बजे तक सारा कुछ मैं करती थी, टेस्ट देना, रिवीजन करना, सब कुछ उसी में 9 बजे तक, वीडियोस भी देखना इसी में इंक्लूडेड है, कुछ मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, मतलब पढ़ाई से संबंधित। अब देखिए 6:30 से 9:30, अब यहाँ पे कितना हो गया आपका, तो 6:30 से 9:30 कितना हो गया, 6:30, 7:30, 8:30 और 9, 2.5 घंटा ना, 6:30 से 7:30, 8:30 और 9, ठीक है, 2.5 घंटे यहाँ पे हो गया, ठीक। उसके बाद जो है फिर खाने वाने की बात आती थी, तो 9 बजे जब मैं टेस्ट दे लेती थी तो टेस्ट के तुरंत आगे पढ़ने नहीं बैठती थी, माइंड रिलैक्स, क्योंकि उसमें मुझे टेस्ट में यह रहता था कि जो टेलीग्राम पे होते थे उसमें मुझे नंबर 1 पे आना है, तो कभी कभी मेरा नंबर 1 पे, मतलब अक्सर नंबर 1 पे आता था, दूसरे पे तीसरे तक भी चलता था, 2 से 3 तक, लेकिन अगर उसके नीचे आता था मेरा मूड डिस्टर्ब हो जाता था, तो मैं बड़ी, लेकिन अक्सर मेरा यही 2 से 3 तक ही रहता था, मुझे आना था फर्स्ट, यही मेरा मतलब रहता था, 1, 2, 3 इतना ही मुझे चाहिए। तो खुशी खुशी उसके थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए मैं खाना बनाने लगती थी, खाना बनाना, फिर खाना, ये सारी चीजें 10 बजे तक, ठीक है, 10 बजे तक ये सारी चीज मैं कंप्लीट कर लेती थी। तो उसके बाद जो है 10 या 10:30 समझिए, मतलब ये सारी चीजें करने के बाद 10, 10:30 बजे से फिर बैठ जाती थी, 10:30 मान लीजिए, ठीक है, 10:30 बजे से फिर बैठ जाती थी, और रात के ये कंटिन्यूस चलता था, मतलब ये मतलब 11, 12, 1, 2 बजे के बाद मैं नहीं जगती थी, क्योंकि मुझे सुबह भी उठना रहता था, तो 2 बजे तक, क्योंकि जब 12 बजता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे शाम हुई है, जैसे 5-6 शाम के बजते हैं, तो ऐसा लगता था कि अरे अभी तो 12 बज रहा है, अरे अभी तो 1 ही बज रहा है, ऐसा मुझे लगता था, फीलिंग आती थी, तो 2 बजे तक मैं पढ़ती थी। तो अब देखिए यहाँ से मान लीजिए 10:30 ही लेते हैं, तो 11:30, 12:30 और 1:30 और 2, मतलब 1.5, एक तरह से समझिए कि 3.5 घंटा ना, 10:30 और 11:30 हो गया ना, उसके बाद 12:30 और 1:30 और उसके बाद 2, हाँ, तो आपका ये हो जाएगा 3-4 घंटा समझिए, ये मान लीजिए इसको 3 ही घंटा लीजिए या 4 घंटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा टोटल, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये और ये मिल गया 3, 2, 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, 3, 8, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मेरे मतलब 8 या 9, मतलब इतने घंटे मेरे रोज के होते थे, मतलब जब मेरा वर्किंग डे रहता था, ठीक है, 8 नहीं 9 ही समझिए इसको, 9, ठीक है ना, 9 घंटे मेरे समझ जाइए कि हो जाता था वर्किंग डे में। अब जो है हम ये देखते हैं कि ये जो है 8 या 9, ठीक है ना, यहाँ पे तो अब जिस दिन मेरी छुट्टी रहती थी, ठीक है, जिस दिन मेरी छुट्टी रहती थी उस दिन मैं क्या करती थी, तो जब मेरी छुट्टी रहती थी, ठीक है, तो जब उसके बाद मैं क्या करती थी कि सुबह वही था टाइम उठने का 5 बजे, ठीक है ना, 5 बजे मैं उठती थी, और लेकिन ये था कि मैं उसके बाद जो है 7-8 बजे तक, ठीक है ना, 7 या 8 सुबह के, ठीक है, सुबह के 7-8 बजे तक जिस टाइम को मैं मतलब 5 बजे उठ के तैयार होने में लगाती थी स्कूल जाने में, वो सारा मतलब 7-8 बजे तक, बाकी भी घर के फैमिली वाले भी आपके एक्टिव हो जाते हैं, उठ जाते हैं, तो मैं तब तक हिलती भी नहीं थी 7-8 बजे तक। उसके बाद मैं जब इतना अच्छे से खूब 3-4 घंटा जम के एकदम पढ़ाई कर लेती थी, अब देख लीजिए 5, 6, 7, 8, मतलब 2-3 घंटा समझिए, अच्छे से मान लीजिए 3 घंटा या 2 घंटा जो भी है, अच्छे से 2-3 घंटा में बहुत होता है अगर मन से पढ़ा जाए तो, तैयारी करके उसके बाद मैं उठ जाती थी, तो साफ सफाई घर की एक दिन का सारा साफ सफाई और घर का सारे काम रहते हैं उस टाइम में, वो मैं करती थी। उसके बाद जो है
10-11 बजे से, मतलब जल्दी से ये सब करके दो 3 घंटे में निपटा के 10-11 बजे से मैं फिर बैठ जाती थी, ठीक है, 10-11 बजे से। और पूरा समझिए दोपहर में यूटिलाइज करती थी उस दिन, पूरा दोपहर भर, ठीक है। मतलब जो इधर आपके वर्किंग डे में या इधर मतलब जो डिस्टर्ब भी हुआ हो 1 हफ्ते में, उसको मैं पूरा कवर कर लेती थी। उसके बाद जो है भाई 1-2 घंटा मैं रेस्ट कर लेती थी बीच में, मान लीजिए 1-2 घंटा रेस्ट करके, और उसके बाद से जो फिर वही 3 जब बज जाता था, 3 बजे से फिर वही वाला रूटीन हो जाता था जो रोज का होता था। जैसे वर्किंग डे में 3 बजे में आती थी, उसके बाद से जैसे जैसे चलता था 4 बजे से 5 बजे से शाम का वही हो जाता था। लेकिन छुट्टियों में भी मैं सुबह के टाइम को, जैसे जिस टाइम में तैयार होकर जाती थी उसको मैं यूटिलाइज करती थी, और साफ सफाई करते हुए काम करते करते, जैसे मेरी आदत है ना कि कुछ काम करने के बाद मैं थोड़ा सा आके रेस्ट करने लगती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पूरा घर का झाड़ू लगाया है, कुछ काम किया, कपड़े धोए, कुछ किए, तो 5-10 मिनट के लिए मेरी आदत भी है, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ 5-10। तो उस टाइम में क्या है कि मैं किताब वहीं पर बिस्तर पर पड़ा रहता था, और आके फटाक से एक एक ही कवि को, एक ही लेखक की रचनाओं को, रचनाओं में बहुत दिक्कत होती है आपको पता ही, आप लोग क्या भूल जा रहा है, तो मैं इसी पे एकदम उतारू रहती थी कि मुझे भूले ना भूल, इतना मैं रिविजन करती थी। तो मैं तुरंत उसको फटाक से एक ही लोगों का, अरे नहीं से कुछ तो है, कहते ना बूथ बूथ से घट भरता है, तो मैं एक ही लोगों का रिवाइज करके फिर मैं थोड़ा सा इधर उधर माइंड फ्रेश करके फिर मैं अपना काम करती थी, फिर मैं आती थी। इस तरह से कर करके मैं सारी चीजों को कवर करती थी। तो यही था, आप देख सकते हैं कि छुट्टी जिस दिन वर्किंग डे था तो मेरा 8-9 घंटा पढ़ाई हो जाता था, और जब रोज का था तो समझिए 2-3 घंटा और जोड़ लीजिए, मतलब 11-12 घंटा, 12-13 घंटा, 11-12 घंटा, ठीक है, बहुत होता है इतना ज्यादा। कोई कहे 2400 घंटा पढ़ते हैं, 20 घंटा पढ़ते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं कि मैं इतने घंटे, क्योंकि काम भी तो करना रहता है, अगर हम लोग वर्किंग वुमेन थे तो काम भी करना रहता है और माइंड को भी तो थोड़ा रिलैक्स चाहिए। तो इस तरह से आप करके अपना टाइम निकाल सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फिर अगर कोई दिक्कत हो, सबसे बड़ी बात है, देखिए बात यह है कि आपको जब तक याद ना हो टॉपिक, मैं घंटे देख के तो पढ़ती नहीं थी, ये तो आप लोगों के पूछने पर मैं बता रही हूँ, लगभग इतने होते थे, जब तक टॉपिक तैयार ना हो, आगे 1-2 घंटा 3 घंटा पीछे होता है, आगे होता है, जल्दी हो जाए, मिनिमम आपको इतना तो करना ही है। अगर आपका जल्दी टाइम कवर हो जाता है तो आप उसमें और ज़्यादा टॉपिक जोड़ लीजिए और बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपनी रणनीति इसी तरह से बना के हम लोगों को सफलता प्राप्त करनी है अब की बार किसी भी हालत में। तो आप लोग भी लगे रहिए, मैं भी लगी ही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।